वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू योर चैनल MNS, दिस इज अमित शर्मा। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या त्रिकोणमितीय फलन का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका ASTC रूल, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने सीखा था कि जो टेबल है वो किस तरीके से बनती है और हायर एंगल्स को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, वो हम यहाँ सीखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम टॉपिक पर आते हैं अपने ASTC रूल। उसके लिए हम पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दिस इज द एंगल 0 डिग्री, दिस इज द एंगल 90 डिग्री, दिस इज द एंगल 180 डिग्री, दिस इज द एंगल 270 डिग्री, दिस इज द 360। रीजन, आप यहां से यहां पर आएंगे तो आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहां से यहां तक आ जाएंगे मूव करके तो आपका 180 हो जाएगा, और फिर यहां पर आ जाएंगे तो आपका 270, और फिर यहां पर आ जाएंगे तो 360। ये जो टू लाइंस मैंने बनाई है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये पूरा मिला करके इसको हम बोलते हैं कार्तीय तल, जो आपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा। और कार्तीय तल में हमारे 4 पार्ट बनते थे, जो ये लाइनें इसमें डिवाइड हो रही हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड हो रही हैं, और इनके नाम थे चतुर्थांश। तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश है, और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। अब ASTC रूल, यहां पर इसका नाम है ASTC, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ASTC अगर आपको याद ना रहे तो ASTC मीन्स एड सुगर टू कॉफी, एड सुगर टू कॉफी। लिखते किस तरीके से है, ए लिखेंगे पहले आप, यहां पर ए ऐड कर दिया, सुगर ऐड कर दी, किसमें कर दी टू में, और किसमें कर दी कॉफी में, ASTC। अब यहां ASTC का मीन्स क्या है, ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब जितने भी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं साइन से लेकर के कोसेक तक, सभी इसमें प्लस के हैं। नेक्स्ट आपका आता है एस, तो एस से शुरू होने वाला आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, और साइन का जस्ट अपोजिट या व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक। ये अपने इस चतुर्थांश में प्लस के है, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस है, बाकी आपके 4 जो बचे कौन कौन से, टेन कॉट sec एंड cos, ये आपके माइनस के रहेंगे इस दूसरे चतुर्थांश में। तीसरे में आपका t से शुरू होने वाला tan है, तो tan और cot प्लस रहेगा, बाकी 4 माइनस के रहेंगे। इसमें c से शुरू होने वाला cos और sec, ये दोनों प्लस के रहेंगे, बाकी 4 माइनस के रहेंगे। अब सपोज दैट 90 में से कोई एंगल अगर माइनस होता है, कोई भी एंगल है, तो वो आपका प्रथम चतुर्थांश में आएगा, 90 माइनस थीटा लिखा है मैंने, तो थीटा कोई भी कोण हो सकता है। जब वो माइनस होगा 90 में से तो ओबियसली वो 90 से कम आएगा, इसलिए वो प्रथम चतुर्थांश में होगा, और 90 में जैसे ही प्लस होगा कुछ बढ़ेगा तो वो दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। लेकिन ये लाइन आपकी 180 है, तो यहां पर 180 से कम रहेगा, यानी 180 माइनस थीटा। अगर 180 से ज्यादा होगा प्लस हो जाएगा तो अगले चतुर्थांश में आ जाएगा, तीसरे में। इसी प्रकार 270 से कम रहेगा इसमें, और 270 से ज्यादा होते ही आप चौथे चतुर्थांश में पहुंच जाओगे, और 360 से कम होगा तो इसी में रहेगा, और 360 से ज्यादा होगा तो दोबारा से आप किसमें पहुंच जाओगे, पहले चतुर्थांश में ही पहुंच जाओगे। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब यहां पर 3 नियम आपको ध्यान रखने हैं। पहला नियम है, अगर किसी भी एंगल को तोड़ने के लिए आप 90 अंश का या 270 अंश का आप उपयोग करते हैं, तो साइन को आप बदलेंगे कॉस में, और कॉस को बदलेंगे साइन में। इसी प्रकार टेन को आप बदलेंगे कॉट में, कॉट को बदलेंगे टेन में, और सेक को बदलेंगे कोसेक में, और कोसेक को बदलेंगे सेक में। दूसरा आता है, अगर आप किसी एंगल को तोड़ने के लिए 180 का या 360 का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, एंड सो ऑन। नंबर थर्ड आता है चिन्ह का परिवर्तन, मतलब उसके आगे प्लस का निशान आएगा या माइनस का निशान आएगा, वो आपका सभी के लिए होगा, जिनका परिवर्तन सभी के लिए होगा, चाहे आप 90 का यूज कर रहे हो, चाहे आप 270 का यूज कर रहे हो, चाहे 180 का, चाहे 360 का, सभी के लिए होगा। और किस रूल के अकॉर्डिंग होगा, ASTC रूल के अकॉर्डिंग होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग होगा, इसके अनुसार होगा। ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं। तो मैं इसमें आपके टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं साइन से लेकर कोसेक तक, मैं यहां पर केवल आपका साइन ले रहा हूं। तो पहला है आपका साइन,
साइन के लिए मैंने लिख लिया 90 माइनस थीटा, ऐसे ही दूसरा मैंने लिख लिया 90 प्लस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा, फिर साइन 180 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, और साइन 270 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, और साइन 360 प्लस थीटा। इस तरीके से हमने सभी लिख लिए। ये टोटल आपके 8 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये टोटल आपके 8 हैं। एक तरीके से 8 सूत्र आपके हैं। ये 8 सूत्र आपके इस तरीके से यहां से बनाना मैं सिखा रहा हूं आपको एएसटीसी रूल से, वो किस तरीके से बनते हैं। इसी तरीके से आपके कॉस के भी 8 होंगे, टेन के भी 8 होंगे, कोट के भी, सबके 8-8 होते हैं। तो कुल मिलाकर के 8 × 6 मतलब 48 सूत्र आपके इस चार्ट से बन जाएंगे, जिसमें मैं केवल साइन के आपके बता रहा हूं, बाकी आपको इटसेल्फ बनाने हैं। तो इसमें आप सबसे पहले ये देखो किसके आगे 90 और 270 का यूज किया गया है। 90 अंश का और 270 का जहां पे यूज किया गया है वहां पर साइन को कॉस में बदलना होगा, पहला नियम। तो 90 वाला एक तो ये है, एक ये है, और 270 वाले भी दो है, तो इनके आगे तुरंत आप क्या लिख दो, साइन की जगह कॉस लिख दो। जहां जहां 90 और 270 लिखा हुआ है या उसका उपयोग किया गया है कोण को ब्रेक करने के लिए, वहां पर आपने कॉस लिख देना है। जहां 180 और 360 है वहां पर हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर मैंने सब में थीटा लिखा है, थीटा कौन सा एंगल है, यहां पर जो भी माइनस है प्लस हो रहा है वो एंगल यहां पर आ रहा है। हमारे दो नियम यहां फॉलो हो गए। तीसरा नियम है चिन्ह का परिवर्तन। चिन्ह का परिवर्तन सभी के लिए होगा और इसके अकॉर्डिंग होगा। उसके लिए आपको टारगेट करना होगा कि इधर क्या लिखा है, इधर आपका साइन लिखा है, एस आई एन साइन, यहां पर साइन लिखा है, तो आपको साइन को देखना होगा। तो पहले हम आते हैं 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में सारे कैसे हैं, ऑल पॉजिटिव है, तो यहां पर हम कोई भी साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट है वहां प्लस होता है, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो। ऐसे ही साइन 90 प्लस थीटा आपका कहां आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, प्लस का है, प्लस लग गया। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां कॉस लिखा है, आपको इधर वाला देखना है, यहां पे क्या लिखा है, आप साइन का कन्वर्जन कर रहे हो तो चारों चतुर्थांश में आप सिर्फ साइन को ही देखोगे, इस लाइन में क्या लिखा है आपको इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर प्लस हो गया, साइन 180 माइनस थीटा के लिए आप देखो किसमें आएगा, दूसरे चतुर्थांश में, यहां पर भी साइन आपका प्लस है तो प्लस ही रहेगा। साइन 180 प्लस थीटा आपका तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है, तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट प्लस है, टेन और कॉट, तो साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, तो यहां माइनस लगा देंगे हम। ऐसे ही 270 माइनस थीटा भी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका माइनस का रहेगा। 270 प्लस थीटा चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा, वहां पर केवल कॉस और सेक प्लस है, बाकी सब माइनस है, तो यहां पर भी हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और 360 माइनस थीटा के आगे भी माइनस लग जाएगा, क्योंकि ये भी चौथे चतुर्थांश में है, और लास्ट है 360 प्लस थीटा, वो आपका पहले चतुर्थांश में आ गया तो प्लस हो गया। तो टोटल इसमें ये 8 थे, 8 में से आपके 4 प्लस आएंगे और 4 माइनस आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम इनके फॉर्मूलों को बना सकते हैं। मैंने आपको केवल साइन के बना करके दिखाए हैं, इसी तरीके से आप किसके बना सकते हो, कॉस के, टेन के, कॉट के, सेक के और कोसेक के। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आपका एक पार्ट और आता है इसी में, अगर कोई एंगल आपका माइनस में दिया हुआ है, जैसे साइन माइनस थीटा या कॉस माइनस थीटा या टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, तो सबके आगे आप तो ये कहोगे सर जो माइनस है बाहर वही अंदर रख दो, बाहर लिख दो, परंतु ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कोण ऋणात्मक कोण है। जब मैंने कोण वाला आपको टॉपिक पढ़ाया था तो ये बात बताई थी कि ऋणात्मक जो कोण होते हैं वो नीचे की तरफ बनते हैं, यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में बनते हैं। तो जैसे ही आप इस तरफ मूव करोगे, घड़ी की सुइयों की दिशा में मूव करोगे, इस लाइन से इस तरफ आओगे, तो आपका चौथा चतुर्थांश यहाँ पर आएगा, और चौथे चतुर्थांश में जो जो चीज प्लस है उसी को आप प्लस लिखोगे, बाकी सबके आगे आपको माइनस लगाना होगा। तो आप यहां पर केवल कॉस के आगे कॉस थीटा रहेगा और सेक के आगे सेक थीटा रहेगा।
बाकी सभी के आगे माइनस लग जाएगा और किसी के आगे माइनस नहीं लगेगा, कॉस के आगे नहीं लगेगा और सेक के आगे नहीं लगेगा। ओके, किस किस के आगे नहीं लगाया हमने, कॉस के आगे नहीं लगाया और सेक के आगे नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां फोर्थ क्वाड्रेंट के रूल्स अप्लाई होते हैं। ओके, अब हम इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन फाइव और थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा आपका जो तीसरे चतुर्थांश में है, आपको जो वैल्यू बतानी है वो साइन थीटा की बतानी है और टेन थीटा की वैल्यू बतानी है, इन दोनों के मान आपको बताने हैं। तो आपने एक सूत्र पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा का मान जो आपका है वो आप यहां पे रख सकते हो, तीन बटे पांच का स्क्वायर, तो आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक माइनस नौ बटे पच्चीस या सोलह बटे पच्चीस। तो साइन थीटा आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सोलह बटे पच्चीस या साइन थीटा का मान चार बटे पांच। अब यहां पर लिखा है थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, किसमें है, थर्ड में। तो थर्ड में आपका क्या चीज प्लस होती थी, केवल टेन और कॉट प्लस होता था, ये बात आपको याद होनी चाहिए एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंग। तो हमारा साइन किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। रीजन क्या है कि थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए रहेगा। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है टेन थीटा, तो टेन थीटा आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों की वैल्यूज आप पुट कर दो। साइन थीटा की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है चार बटे पांच, कॉस थीटा की है तीन बटे पांच, तो माइनस से माइनस कट गया, पांच से पांच कट गया, तो टेन थीटा आपको जो मिला वो चार बटे तीन मिला। और तीसरे चतुर्थांश में टेन वैसे भी क्या होता है आपका, प्लस होता है, तो इसलिए यहां पर प्लस का ही निशान रहेगा। वो लिखा है या नहीं लिखा है अंडरस्टूड है कि यहां पर प्लस है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टेन माइनस फोर एटी, क्वेश्चन नंबर टू, टेन माइनस फोर एटी डिग्री। तो यहां पर आप पहले ये यूज करोगे कि टेन माइनस थीटा, जैसे मैंने अभी अभी बताया था कि टेन में अगर माइनस है तो वो माइनस में लिखा जाएगा, वो मैं डिक्टेट पहले ही कर चुका हूं, तो माइनस यहां पर आ जाएगा टेन चार सौ अस्सी। अब ये 480 को आप इस तरीके से ब्रेक करोगे कि नियर बाई पहुंच जाओ, चाहे 90 के, चाहे 180 के, चाहे 270 या 360, किसी के भी नियर बाई आप पहुंच जाओ, कोशिश करो कहां से कहां तक जा सकते हो। तो मैं इसको लिख रहा हूं माइनस टेन, 360 में कितना प्लस करें कि 480 मिल जाए, तो 480 कब मिलेगा, जब 360 में कितना हम प्लस करें, तो 120 आप प्लस करोगे तो आपको 480 मिल जाएगा। कैसे पता लगाया, 480 में से मैंने 360 को घटा दिया तो मुझे 120 मिल गया, तो यहाँ 120 पता लग गया। अब यहां पर जो सूत्र लगेगा वो लगेगा टेन 360 प्लस थीटा वाला। अब या तो सूत्र याद करो या एएसटीसी रूल। अब 360 यहां पर लिखा है तो आपको मैं बता चुका था कि इसका परिवर्तन नहीं होता है, टेन का टेन ही रहेगा, परिवर्तन केवल किसमें होता है, 90 में या 270 में। तो यहां पर आएगा आपका टेन थीटा, और चूंकि 360 प्लस थीटा है तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश में आएगा, प्रथम में सब प्लस होते हैं, तो यहां पर प्लस का ही निशान रहेगा, तो आपका क्या रह गया, माइनस का टेन 120 अंश। अब आपने 480 से 120 पर ले आए, अब आपको मान तो 120 का भी नहीं पता है, क्योंकि आपके पास जो टेबल है वो 90 तक की है, आपको 90 तक के कोणों के मान पता है। तो इसको हम फिर ब्रेक करेंगे कैसे, टेन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, तो 90, अब 90 पर 10 किस में बदल जाता है, 90 पर 10 में बता चुका हूं किस में बदलता है, कॉट में, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा थीटा, और यहां पर क्या रहेगा, प्लस, क्योंकि 90 प्लस थीटा किस में आएगा, 90 प्लस थीटा आपका दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा, दूसरे में 10 माइनस का होता है इसलिए यहां पर माइनस लगेगा। अब एक माइनस तो यहां ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस का हम कॉट 30 लिखेंगे, और कॉट 30 का मान, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉट 30 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3। तो इस तरीके से कॉट 30 का मान कितना आ गया, अंडर रूट 3। ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। ओके,
ये बात आप ध्यान रखोगे, किसी भी कोण को तोड़ने के लिए आपको केवल चार ही कोणों का उपयोग करना है, 90 का, 180 का, 270 का और 360 का। ये इनको ब्रेक करने के लिए आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब वीएसटीसी रूल वाला चार्ट आपको पूरी तरह से पता होगा। नहीं पता है तो आपको ये सारे सूत्र याद करने पड़ेंगे, 48 सूत्र बनेंगे और 8 वैसे हैं 6, तो टोटल आपके 54 फॉर्मूले आपके बनेंगे। आप उन्हें याद करो, बेहतर होगा कि उनको बनाना सीख लो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट, आपको ये प्रूफ करना है कि cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन sin पाई माइनस एक्स cos 90 प्लस एक्स बराबर cot स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पाई की फॉर्म में लिखा है, तो पाई का मतलब आप जानते हैं 180 होता है, तो यहाँ पर cos 180, अब ये 180 लिखा है, मैं बता चुका हूँ 180 पर cos बदलता नहीं है, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ cos 180 प्लस थीटा, तो cos cos ही रहेगा और 180 प्लस थीटा आपका तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, तीसरे में cos कैसा होता है माइनस का, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ऐसे ही cos माइनस x को मैं भी बता चुका था, यहाँ पर ये प्लस का रहेगा क्योंकि ये ऋणात्मक कोण है, ये चौथे चतुर्थांश में आएगा। तीसरा है sin 180 माइनस थीटा, अब sin 180 माइनस थीटा में sin थीटा लिखेंगे, लेकिन sin 180 माइनस थीटा दूसरे में रहेगा, दूसरे में प्लस का होता है। ऐसे ही नेक्स्ट आपका आ रहा है cos 90 प्लस थीटा, 90 पर cos बदल जाता है sin में, और 90 प्लस थीटा आपका जो आएगा वो दूसरे में आएगा और दूसरे में cos माइनस का होता है, तो यहाँ माइनस लग गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू लगाते हैं, तो cos 180 प्लस थीटा के अकॉर्डिंग माइनस cos थीटा आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं माइनस का cos x इंटू cos माइनस थीटा आपका प्लस का है, cos x हो गया, अपॉन में sin 180 माइनस थीटा आपका sin थीटा है, तो sin x हो गया, cos 90 प्लस थीटा आपका माइनस sin थीटा है, तो माइनस का sin x हो गया। माइनस का कोई भी नंबर हुआ ब्रैकेट में लिखेंगे, अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा cos इंटू cos क्या हो गया cos स्क्वायर x अपॉन sin इंटू sin हो गया आपका sin स्क्वायर x इक्वल टू हो गया cot स्क्वायर x। यही आपकी कौन सी है राइट हैंड साइड। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने ASTC रूल को ठीक से समझा और किस तरीके से हम हायर एंगल्स को स्मॉल एंगल्स में ब्रेक करके उनको फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको हम किस तरीके से बना सकते हैं, कितने फॉर्मूले हमारे बन सकते हैं, 48 और 54 सूत्र हमारे बन सकते हैं, तो वो आप उनको प्रैक्टिस करिएगा और उसी पर बेस्ड हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर डिस्कस की। इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी एक्सरसाइज 3.2 जो है वो आप इजीली कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के साथ, इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं उन पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें।